रेबल मून, फाइनली रेबल मून फिल्म का पार्ट टू अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने इस फिल्म का पार्ट वन नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखें और फिर इस फिल्म के पार्ट टू को देखें। और अब मैं इस फिल्म के पार्ट टू को देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म के पार्ट टू को देखकर जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म के पार्ट टू को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को पार्ट टू की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप पार्ट टू में देखेंगे कोरा और उसके साथी वॉरियर्स जो अब तैयार हैं ईविल एम्पायर मदर वर्ल्ड से लड़ने के लिए और अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। तो क्या कोरा और उसके साथी अपनी इस जंग में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म के पार्ट टू को देखकर कैसा रहा। तो जैसा मैंने पार्ट वन के रिव्यू में आप लोगों को बताया था कि असल में तो मैं इस फिल्म के आर रेटेड वर्जन के रिलीज का वेट कर रहा हूं जो कि इस साल अगस्त के मंथ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। लेकिन अब क्योंकि हम पार्ट वन और पार्ट टू देख चुके हैं तो उसके बाद स्टोरी और कैरेक्टर वाइज मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है आर रेटेड वर्जन से भी, क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट यही होगी, उसमें भी बस ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिल जाएगी जिससे एक्शन सीक्वेंसेस को एंजॉय करने में मजा आएगा और जिनको सेक्स सीन देखने होते हैं तो वो भी उन्हें देखने को मिल जाएगा। खैर अब मैं इस पार्ट टू की बात करूं तो देखो कहानी फिल्म की बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कैरेक्टर वर्क भी फिल्म का पारिग है। ऑल दो पार्ट टू में आपको कुछ मेन कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत बैक स्टोरी जरूर जानने को मिल जाएगी लेकिन वो काफी नहीं है हमें इन कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। चाहे पार्ट वन हो या पार्ट टू हो, आपको कहानी और कैरेक्टर्स में डिटेलिंग और डेप्थनेस और यहां तक के ओरिजिनेलिटी की भी काफी कमी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपने कोई खास एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फिल्म को नहीं देखना है। बस हाँ, पार्ट टू का जो आखिर का एक घंटा है वो एक्शन से भरा हुआ है। आपको फिल्म के सेकेंड हाफ में एक बड़ी बैटल देखने को मिलेगी और वो जो सारा एक्शन है वो देखकर आपको मजा आएगा। मैं ये एक्शन जरूर आर रेटेड वर्जन में देखना चाहूंगा। तो अगर आप एक्शन के लिए इस फिल्म को देखना चाहें तो जरूर देख सकते हैं। एक्शन इस फिल्म के आखिर के एक घंटे में आपको काफी देखने को मिलेगा और वो एक्शन देखकर आपको थोड़ा बहुत मजा जरूर आएगा। उसके अलावा फिल्म की कहानी और कैरेक्टर वर्क में मजा नहीं है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बस ठीक ठाक सी हैं। फिल्म का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क अच्छा है, बस कहीं कहीं सीजीआई और वीएफएक्स वर्क आपको थोड़ा वीक जरूर देखने को मिलेगा। खैर मैं इस फिल्म के पार्ट टू को रेट करूंगा 6/10। और हाँ, आप चाहें तो ये फिल्म फैमिली के साथ देख सकते हैं, बस एक दो छोटे छोटे किसिंग सीन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।